वीर का प्रेक्षण ठीक नहीं था, ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं था. प्रेक्षण ठीक नहीं था. भारत एक संघात्मक संविधान है. भारत एक संघात्मक संविधान है. जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, यह उस सीमा तक संघीय संविधान है जिस सीमा तक यह दोहरे राजनीतिक तंत्र को प्रश्रय देता है. प्रश्रय देता है. जिसमें संविधान केंद्र के स्तर पर जिसमें संविधान केंद्र के स्तर पर राज्यों को उनके निर्धारित क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान करता है. संप्रभु शक्तियां प्रदान करता है. के बाद डॉट 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 करिए, मतलब कुछ और बातें भी उन्होंने कही, लेकिन एक और काम की बात उन्होंने कही. इस संविधान में अमेरिकी संविधान की तरह संघवाद के सख्त ढांचे का वर्णन न करके संघवाद के सख्त ढांचे का वर्णन न करके, वर्णन मतलब चुनाव न करके, एक ऐसा रूप चुना गया है जो समय और परिस्थिति के अनुसार एक ही साथ एकात्मक और संघीय हो सकता है. देखिए, ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में लिखा कि भारत के संविधान निर्माता दरअसल भारत की जरूरतों के अनुसार पिक एंड चूज के सिद्धांत पर चल रहे थे. तो उन्होंने दुनिया के जिन देशों से जो भी अच्छी चीजें मिली उसको क्या है, लिया. और मान रहे थे कि संघवाद की कोई भी स्थिर परिभाषा नहीं होती है, संघवाद कोई स्थिर चीज नहीं है. इसलिए यहां पर अंबेडकर की बात को इस संदर्भ में भी ध्यान में रखें
जो कह रहे कि समय और परिस्थिति के अनुसार जैसे ही जरूरत होगी वैसा ये हो जाएगा। और इसी को बाद में डी डी बसु ने कहा कि ये सामान्य स्थितियों में संघात्मक है लेकिन आपात स्थितियों में क्या है, एकात्मक। तो ये यहाँ पर तो ये केसी वीयर साहब की जो फॉल्ट लाइन थी पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली जो फॉल्ट लाइन थी जजमेंटल वो हो गए थे उसमें इसको क्या है बताया गया। अब ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को क्वासी फेडरल कहते हैं देन वी कांट से वी आर ग्रोइंग टुवार्ड्स अ ग्रेटर फेडरलाइजेशन। अगर हम कह रहे हैं क्वासी फेडरल है तो हम ग्रेटर फेडरलाइजेशन की बात कैसे करेंगे। अगर हमने कहा अर्धसंघ है अर्धसंघात्मक है तो बृहत्तर संघीकरण की बात जो हम आज कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, हम तो पूरा संघ है ही नहीं यहाँ पर ये भी। और हम कह रहे हैं पूरा संघ की बात छोड़ो हम तो ग्रेटर फेडरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वी आर ग्रोइंग टुवार्ड्स ग्रेटर फेडरलाइजेशन। शक्तियों का दोहरा विभाजन ही नहीं, पंचायती राज और नगर पालिकाओं को 73वें और 74वें संविधान के संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा देकर हमने तो शक्तियों का 13 विभाजन कर दिया। हम तो ग्रेटर फेडरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना, केवल हम तो कहते हैं कि दो स्तर की सरकार हो, तो यहाँ पर दो स्तर की सरकार है, राज्य सरकार ही पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्तियां देगी, लेकिन क्या शक्तियां देंगी ये तो हमने संविधान में लिख दिया ना कि ये शक्तियां आप दे दो। ये शक्तियां 11वीं और 12वीं सूची के ये जो विषय है 29 विषय है ये सौंप दो उनको। तो इसका मतलब क्या है कि आज हम ग्रेटर फेडरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई कह के चला गया कि तुम तो फेडरल हो ही नहीं तुम तो क्वासी फेडरल हो, ये तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए केसी वीयर साहब की आत्मा को शांति पहुंचे, कुंभ मेले के दौरान ये बात कही जा रही है, अगर उनकी आत्मा कहीं भी भटक रही हो तो इस समय स्नान करके इलाहाबाद में मुक्त हो सकती है। तो ये भी है क्योंकि इसको ठीक करना बहुत जरूरी है कि हम बृहत्तर संघीयकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर ये चीज अब देखिए क्या है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि शहरों के जो महापौर होंगे उनको ज्यादा पावर्स और देने की बात आएगी, ये कहा जाएगा कि भाई इनको इतना पावर्स दे दो कि ये जो अर्बन डेवलपमेंट की जो चीजें हैं वो चीजें क्या कर सके। कुछ देशों में ऐसा किया भी जा चुका है, कुछ देशों में इस प्रकार की चीजें क्या है की भी जा चुकी है। तो ये इस बात को भी हम देखेंगे कि हम बृहत्तर संघीयकरण की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान डी डी बसु साहब ने भी अपनी बात कही, इसमें नेक्स्ट आइए डी डी बसु। डीडी बसु दुर्गा दास बसु पूरा नाम, और उसमें हेडिंग दीजिए एकात्मकता की ओर उन्मुख संघात्मक व्यवस्था या एकात्मकता का झुकाव रखने वाली संघात्मक व्यवस्था। एकात्मकता का झुकाव रखने वाली संघात्मक व्यवस्था डीडी बसु के अनुसार भारत की संवैधानिक व्यवस्था बुनियादी तौर पर संघात्मक है। संघात्मक व्यवस्था बुनियादी तौर पर बेसिकली फेडरल है। बुनियादी तौर पर संघात्मक है किंतु इसमें कुछ अस्पष्ट एकात्मक तत्व हैं। अस्पष्ट एकात्मक तत्व है दो स्तर की राज्य व्यवस्था
शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन संविधान की सर्वोच्चता, और निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायालय जैसी विशेषताएं भारत को बुनियादी तौर पर संघात्मक बनाती है। भारत को बुनियादी तौर पर संघात्मक बनाती है। लेकिन एक और चीज समझना है, लेकिन डीडी बसु साहब का कहना था कि तीन ऐसी बातें हैं जो भारत को बहुत पिकुलियर भी बनाती हैं। एक बात उन्होंने कही कि मोड ऑफ द फॉर्मेशन, भारत में फेडरल सिस्टम को बनाने का जो तरीका था, मोड ऑफ द फॉर्मेशन था, पोजीशन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की जो स्थिति थी, राज्यों की स्थिति, संघ संघात्मक शासन प्रणाली को बनाने का तरीका, और राज्यों की स्थिति के अलावा जो नेचर ऑफ द पॉलिटी है, राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति है, इन तीनों ने भारत को पिकुलियर बना दिया। भारत उस तरीके से नहीं बना था जैसे अमेरिका बना था 1787 में, जैसे अमेरिका संघ बना था। भारत स्वतंत्र राज्यों के द्वारा बनाया गया एक संघ नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक शासन के अधीन केंद्रीकृत इकाइयां जो थी, उन इकाइयों के द्वारा बनाया गया संघ था। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल कहता अलग था। ऐसा नहीं कि 13 स्वतंत्र लोग मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमें एक बड़ा संघ बनाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ भारत में। मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, अलग था। फिर इसके साथ ही पोजीशन ऑफ द स्टेट्स, सारे स्टेट्स की जो पोजीशन है वो पोजीशन बराबर क्या है, नहीं है। इसको हम लोग असिमेट्रिकल फेडरलिज्म में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को, 371 में नागालैंड, सिक्किम और दूसरे राज्यों को जो विशेष स्थितियां दी गई हैं, इससे सारे स्टेट्स, और स्टेट्स के भीतर ही नहीं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच भी क्या है, फर्क है। तो पोजीशन ऑफ द स्टेट्स भी क्या है, वो सिमेट्रिकल नहीं है। और नेचर ऑफ द पॉलिटी ड्यूअल सिटीजनशिप है या सिंगल सिटीजनशिप है, डिवल नहीं। नेचर ऑफ द पॉलिटी में भी क्या है, इंडिया डिफरेंट है। तो उनका कहना था कि तीन कारण हैं, तीन चीजें हैं जो भारत को पिकुलियर बनाती हैं, जो भारत को एक तरह से अमेरिका से क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं। लिख लीजिए तीनों चीजों को। भारतीय संघ को बनाने का तरीका, मोड ऑफ फॉर्मेशन, भारतीय संघ को बनाने का तरीका, बनाने का तरीका उसमें राज्यों की स्थिति, उसमें राज्यों की स्थिति, पोजीशन ऑफ द स्टेट्स, और राज व्यवस्था की प्रकृति, राज व्यवस्था की प्रकृति भारत को भिन्न ही नहीं अनोखा बनाती। भारत को भिन्न ही नहीं अनोखा बनाती।
भारत औपनिवेशिक केंद्रीकृत औपनिवेशिक केंद्रीय शासन लिखिए, केंद्रीय शासन के अधीन रह चुके प्रांतों और देसी रियासतों से मिला से को मिलाकर बनाया गया संघ है, बनाया गया संघ है। अभी स्वतंत्र प्रांतों के समझौते का परिणाम नहीं है ये यहाँ पर। फिर पोजीशन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की स्थिति क्या है, राज्य की स्थिति बराबर नहीं है। जैसे कई बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी था कि धारा 370 को समाप्त करो, धारा 370 को समाप्त करो। जिस समय कश्मीर का भारत में विलय हुआ था उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर समझौता हस्ताक्षर हुआ था, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कश्मीर को उस समय एक विशेष स्थिति दी गई थी। धारा 370 भले ही अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान हो, लेकिन कश्मीर के विधायिका या कश्मीर की विधानसभा की इच्छा के बगैर हम कोई भी चीज अगर चेंज करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के वो अगेंस्ट। दूसरी बात यह है कि आप क्या चाहते हैं, आप भारत को सभी तरह की विविधतापूर्ण पहचानों को मिटाकर एसिमिलेशन के रास्ते पर ले जाकर एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कोई अपनी किसी की भी अपनी कोई क्षेत्रीय पहचान न हो, तो ये एक असंभव परियोजना है, ये सफल नहीं होगी। हमने संघ अपनाया ही इसीलिए कि हम ताकि क्षेत्रीय विविधताओं को स्थान दे सकें, इसलिए कुछ राज्यों को हमें अलग दर्जा देना पड़े। और ये भारतीय संघ की खूबसूरती है, खासियत है, ये उसकी खामी नहीं है। जैसे क्या होता है, रुदन शुरू हो जाता है, विलाप एकदम कि क्या हो गया भारत में, मेरा तेरा दर्जा बराबर क्यों नहीं है। तो मेरा तेरा दर्जा कैसे बराबर होगा, मेरी तेरी स्थिति भी बराबर नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत, मेनलैंड के जो स्टेट हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनसे कल्चरल डाइवर्सिटी रखते हैं, एथनिक डाइवर्सिटी रखते हैं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी क्या है, डिफरेंट हैं, और अस्मिताएं वहाँ टकरा रही हैं। उसी समय आप संविधान का झंडा लेकर बुलंद करेंगे, देखिए 130-135 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है। ये सफलता है, और इस सफलता के पीछे भारतीय संविधान का लचीलापन भी है। भारतीय संविधान का क्या है, लचीलापन भी है। अब कोई अलग कहता है कि हम हिंदू धर्म से अलग संप्रदाय, इलेक्शन के ठीक पहले उसने दावा कर दिया, ठीक है तुम अलग हो, झंडा उंडा लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ तो झंडा उंडा लगा लिया, ये कर दिया। कोई मास मूवमेंट हो तब तो समझ में है कि आकांक्षा है लोगों की। कोई मास मूवमेंट क्या है, ये सिद्ध करता है कि लोग ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं। फिर इसके यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि राज्यों के दर्जे को बराबर रखने पर ही हमारा संघ मजबूत होगा, ये कहाँ की बात है। विविधता को बनाए रखते हुए भी एकता हो सकती है, भारत की यही क्या है खासियत। इसलिए इसको हम लोग असिमेट्रिकल फेडरलिज्म में विस्तार से देखेंगे कि चार तरह की एसिमेट्रीज है भारत में। भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली में चार तरह की असम्मितियां हैं, गैर बराबरियां हैं। पहली गैर बराबरी, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, The one is states and another is union territories। ये गैर बराबरी नहीं है, है ना गैर बराबरी। अब आप कहेंगे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दो, कैसे बना दे पूर्ण राज्य, कैसे बना दे,
दिल्ली देश की राजधानी है, पूर्ण राज्य बनाएंगे तो पुलिस भी क्या है, राज्य को देना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो है चौकीदार हवलदार लेके चल रहा है, क्या हो जाएगा? मान लीजिए झगड़ा हुई है तो सारे मुख्यालय वहां पर हैं यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर। अब ये क्या यूनियन टेरिटरीज, इसके लिए भी बनाना जरूरी है यूनियन टेरिटरीज सुरक्षा संबंधी। अब अंडमान निकोबार में हमारे कमांड है सेना की, सारी कमांड यूनियन टेरिटरीज होगा। चंडीगढ़ को लेकर झगड़ा है, पंजाब कहता है मेरा, हरियाणा कहता है तेरा नहीं मेरा। चंडीगढ़ किसको दे, बताइए, पंजाब को दे दे हरियाणा को दे, या दोनों को बांट? अब ये क्या है, तो एक असममित क्या है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दूसरी असममित राज्यों के भीतर, राज्यों के ही बीच, राज्यों के बीच जम्मू कश्मीर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम 370 371 में अलग अलग क्या है प्रावधान है। तीसरी असम्मिति राज्यपाल, जहां अनुसूचित जनजातियां हैं वहां पर राज्यपाल के पास क्या है अधिक ताकत। क्यों अंबेडकर ने सोचा, सेंटर सीधे गवर्नर से पूछेगा। अंबेडकर साहब को ये भरोसा कम था, उनको लगता था कि कहीं पर जो लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस न कर दें और इन वल्नरेबल या इन वीकर सेक्शंस की बेहतरी के लिए जो चीजें की जानी है वो न की जा सके, ये भी हो सकता है। ये इसके लिए उन्होंने राज्यपाल को कहा। तो पहला राज्य और केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच की असम्मिति, राज्यों के बीच की असम्मिति, राज्यपाल की स्थिति, राज्यसभा में सीटें बराबर नहीं है सभी राज्यों की, राज्यसभा संघात्मक सदन है, राज्यसभा में राज्यों की आवाज उठाई जाती है लेकिन सभी राज्यों की आवाज बराबर नहीं है।